अच्छा बॉयड भी होना चाहिए है महमूर मलिक हिस्ट्री एक्सैक्टली लास्ट पॉडकास्ट एमएम एंड आल्सो वी यंगर देन दीस गाइस ऑब्वियसली एट लीस्ट फरहाDefinitely but like so that's going to take 10 years old <laughs> <laughs> but <laughs> i even know <laughs> i know i know i know सॉरी ये छोटे हैं ये छोटे हैं नहीं नहीं i'm okay with that graduate स्टार्ट करते हैं आ, डिफरेंट आ, अगर आप एक लॉ डिग्री कर लें तो उसके बाद डिफरेंट ऑप्शन जो आप ले सकते हैं और कर सकते हैं तो हमें पता है कि रिसेंटली स्टार्ट टीचिंग मोमना कैसा एक्सपीरियंस है टीचिंग का इट्सफुल एक्सपीरियंस सो फार देर आर चैलेंजेस इन इट कुछ चीज़ों पर मुश्किल आती हैं बट ओवरऑल इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस मज़ा आ रहा है बच्चों को डील करके बच्चों को पढ़ा के यू के लॉ है

कोर्ट्स जाना कोर्ट्स एक से ऐसी जगह है जहाँ पे खुतन की बहुत जरूरत है okay. तो um, वहाँ पे जाना और सीखना सीखने को बहुत कुछ मिला आई वर्क अंडर द मैंटरशिप ऑफ सर रियाजुल हसन गिलानी वंडरफुल मैं ब्रिलियंट ब्रिलियंट पर्सन उनके साथ मेरे साथ जो सीनियर लॉयर्स थे ऑल्दो आई द थेगेस्ट इन द टीम बट मेरे साथ जो सीनियर लॉयर्स थे दे एक्सटेंडेड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट मी मी एंड गाइडेड अंडरस्टैंडिंग द ट्रू एप्लीकेशन ऑफ लॉ

बट अदर देन देट आई थिंक ये एक एफर्ट होती है जो खुतिन को शायद खुद करनी पड़े एज अ पोस्ट टू मैन जिनको ये चीज़ नहीं करनी पड़ती बड़ी अच्छी बात है और ये बात मेरी जो पहली उस्ताद थी मैडम आसमा जहाँगीर थी तो वो ये बात करती थी और वो अक्सर यंग लड़कियों को ये बात करती थी फीमेल एंट्रेंस जो थी प्रोफेशन में उन्हें कि आपको ना अपनी जगह और अपनी स्पेस रिक्लेम करनी पड़ेगी खुद, खुद आपको खुद बनानी पड़ेगी अपनी जगह और कोई आपको नहीं देगा क्योंकि जगह बनाने वाला जो प्रॉब्लम है वो तो यंग लड़कों को भी है प्रोफेशन में वो तो उनको भी है क्योंकि वही एक बड़ा जिस तरह वो इंग्लिश लॉ में भी कहते हैं कि इट्स फॉर वाइट ओल्ड मैन ये प्रॉब्लम यहाँ भी है हमारे यहाँ पे वाइट वाला इशू नहीं है हमारे यहाँ पे सीनियरिटी और वकला के बच्चे

आप लोग इंटरमडिएट ना हो कि हम लोग कम है अब mm. हम लोग पहले से ज्यादा तादाद में आ रही हैं एंड आई रियलाइज दैट यू नीड टू क्लेम योर स्पेस बिकॉज इट नॉट जस्ट द डीगल इंडस्ट्री अगर mm. आप इंजीनियरिंग में sure. चले जाओ किसी भी ऑफिस में चले जाओ वुमेन विल फील थ्रेटेड और इंटरमीडिएटेड बट इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी आई डोंट प्रमोट दिस थॉट आई प्रमोट के कहीं पर भी सेफ फील करने के लिए टू गो एंड क्लेम योर स्पेस वंस यू आर डूइंग इट रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर यू विल फाइंड योर प्लेस दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग आई हैड Some legal experience of working in Pakistan. At the moment, my Canadian law firm ke practice. Kar rahi hun, but both the experiences are very contrasting, hmm. but equally good. I've learned a lot. It's a very big learning curve. So, hmm. the uh, Canadian law firm work? Ka 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 so it's basically the, the cases that we deal with where state, immigration, family, criminal hmm. and civil matters. I personally deal with family and criminal matters, mostly the family part. But I I feel like because it's like Canada, it's diverse population, and actually you're learning so much more than you're learning in the Pakistani courts. kafi online, are online. And considering all those things, so there's this contrast, but I'm enjoying this experience right now because I feel like I, can't I can switch to working in person, but this is very different. And the learning is great. Hmm. You know, from a family point of view, The that you work. ये एक मेजर इशू है यंग लड़के और लड़कियों का कि जब आप प्रोफेशन में एंटर करेंगे ना तो आपको किसी फर्म में या किसी चैम्बर पे उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी आप वो काम नहीं दिया जाएगा और आ, मैंने मैंने जब एंटर किया था तो मेरे साथ भी ये, मैंने ख़ुद फील किया था ये बहुत ज़्यादा लेकिन इसका एक हैक है बड़ा अच्छा और वो हैक ये कि आप लोग बोनो काम ले लें आप किसी एक सीनियर के साथ या किसी एक बंदे को अपना बना लें उस्ताद ले जिसको आपसे कोई इंसेंटिव या मोटिव ना हो और आप जो है ना अपना काम खुद पकड़ लें या अपना एक दूसरा फॉर एग्जांपल मैं जब मैडम आसमा के पास से और बाकी सब करके वापस आया था मुल्तान तो मेरे पास केसेस नहीं थे और मैं जाता था रोज़ कोर्ट जाता था और फारग बैठता था तो मुझे ये ख्याल आया और मैंने एक पेनोफ्लिक्स छपा के लगा दिया बार कि अगर आपको फ्री लीगल एड चाहिए ना तो हम आपको देंगे और हमें खुद भी नहीं आता था उस वक्त अगर कोई आ जाता था तो हम उसे कहते हैं हाँ बहुत आपका मसला बहुत सीरियस है और हम बताते हैं आपको क्या करना है इस पर और फिर हम लोगों से पूछते थे इस पर करना क्या है होना क्या चाहिए क्या होता है और वो गाइडेंस करते करते तीन चार पाँच छः आप करते हो तो आप में ख़ुद कॉन्फिडेंस आता है कि आपने ख़ुद किया ना तो अहमद आप इससे रिलेट करेंगे कि मेल यंग लॉयर एज मेल यंग लॉयर ऑब्वियसली जो फीमेल्स को लेकिन जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ती हैं देर लाइक बहुत डिफरेंस है, है लेकिन हाँ उससे उस लेवल पर तो नहीं है मेल्स का लेकिन ये इशू ऑबली है जो कि सीनियर्स आपको आ, सिखाते नहीं हैं शुरू में जिस तरह बिफोर ज्वाइनिंग बात नहीं कर रहा हाँ। उससे पहले जैसा मैंने भी इंटर्नशिप्स की मैं मासमा जहांगीर के ऑफिस में इंटर्नशिप की ड्यूरिंग माई लॉ स्कूल और जे पी पी में की बहषर सारा बिलाल के पास तो ये एक इशू है कि दे डोंट वांट टू टीच यू उनकी बात नहीं करा मैं मासमा जहंगीर है जे पी पी की उनसे वापस आने के बाद वापस आया मुल्तान है इधर मैंने कुछ और फर्म्स में जॉइन किया तो ये एक इशू है कि एक तो काम नहीं दिया जाता इसमें बात होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती रिस्पांसिबिलिटी कोई नहीं है या तो उनकी पॉलिटिक्स चल रही होती है मोस्टली सीनियर्स की या वो घर बैठे होंगे या और किसी अपनी मीटिंग में होंगे और जो तो उनके तीन चार सीनियर एसोसिएट्स होंगे वो काम कर रहे होंगे और आप बस बैठे हो उनको देख रहे हो ऑब्जर्व कर रहे हो सुबह जा रहे हो शाम को घर आ रहे हो घर वालों को लगता है बहुत काम को हो रहा है बहुत काम कर रहे हैं सुबह जाता है शाम को आता है लेकिन काम <laughs> कोई नहीं हो रहा था तो लेकिन uh, उसके बाद फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई सीनियर चूज़ करें जो आपको सिंसेरिटी के साथ आपको

आई फील लाइक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू हेव अ ग्रेट मेन्टोर जो आपको शुरू से ही मतलब जैसे आपने कहा कि उनको आपसे कोई लाइक इंसेंटिव नहीं होना चाहिए दि शुड जस्ट गाइड यू एंड यू बहुत अंडरस्टैंड दैट दैट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग सेकेंडली दिस इज़ द बिगेट डिफरेंस आई रिलाइज कैनाडा में वर्सेज यहाँ में यहाँ पर लाइक एम एस सेट के कोई काम देना नहीं चाहता लाइक आई वॉज वर्किंग विद आर एस आई एल एंड मेरे साथ एक और इंटर्न भी थी एंड दैन हर व्यूअर्स और मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड माई व्यू एस Her view is, um, my view is that uh I want to learn as much as I can. So I would go to my senior associates and be like, do you need something? Mm. By the end of it, I was working on a bilateral agreement between US and Pakistan. Okay. And it was very confidential and all. But the point is, as a young lawyer, you have to take initiative. Mm. We have especially in Pakistani universities. So that, oh, you don't know enough. if you a graduate, you don't know enough. You struggle. Mm. Like the word struggle is so romanticized and misused You're paying me peanuts I'll still work with you because I need it. Mm. When I uh, graduated right, my third year ke baad, I applied for a few in a few firms in Islamabad, but I realized I don't want to work with anyone who's not paying, mm. even as an intern, because globally Harco internship programs offer karta, they give you incentive. Mm. So in Canada, when I'm working, there are so many mistakes I make. there are so many things I don't know. Mm. but there's a training folder. my boss always guides us. There are so many people who are helping us. यहाँ पे अगर आप दफ्तर आके बैठे और वो आपको इस्लाम कर रहे हैं आपको हेल्प कर रहे हैं थोड़ा सा भी ऐसा वो आप एहसान कर रहे हैं इफ़ यू आस्क क्वेश्चन लाइक योर अबर्डर योर इकनवीनियंसिंग देम एंड आई कैन नॉट रिलेट दिस टू माय पर्सनल वर्क एक्सपीरियंस ये बेटर से हादी सर सलमान और इवन आर एस आई एल बिकॉज देव वेरी हेल्पफुल टू बट इट्स आल्सो दट मेरा भी इंटरेस्ट एंड आई एम रियली पेशन एट अबाउट लॉन्ई फील लाइ ये आपको अपने लिए खुद यू शूड हैव द निगोसिएशन पावर यू शूडेंट फील लाइक आई एम गोइंग

और दूसरी बात ये कि मैंने बहुत सारी फीमेल लॉयर से सुना है कि जब हमें पेपर वर्क तक रख दिया जाता है हमें कभी आगे जाके बोलने नहीं दिया जाता या हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती और अगर आपके पास कोई क्लाइंट भी आ रहा है तो वो आके बहुत पूछेगा कि अच्छा आप ये केस कर लेंगी मतलब फ़ीमेल्स के साथ इस तरह से भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है इतना female. वो समझते हैं लेकिन अगर आप अपना सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपने अपना एक नाम बनाना है और उसी का सारा स्ट्रगल है जो आपने करना है तो एट द एंड ऑफ दई थी होती है वो मेल लॉयर्स से ज्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं, हैं, हैं ज़्यादा होती होती ओके अच्छा ये शायद सबको नहीं पता यहाँ पे ये कि नौशीन और अहमद जो है वो मेरे से पहले पहले ना जब ये ब्राइया कर रहे तो मुझे अटैक फील हो रहा लेकिन no, 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 I, मैं मैं मैंने है लेकिन तो कह दिया दिलचस्प सेटिंग थी हमारी इंटर्नशिप की ना कि मुझे प्रैक्टिस करते हुए तीन साल हुए थे और ये दोनों फर्स्ट ईयर एल एल बी के स्टूडेंट थे खत्म कर, कर चुके थे फर्स्ट सेकंड ईयर समर था तो आप अल्टीमेट ईयर स्टार्ट करने वाले एल एल बीस तो और मैं मैं मुझे तीन साल हुए थे प्रैक्टिस करते हैं मुल्तान में तीन साल के स्टैंडिंग वाले वकील को इंटर्न्स की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसके पास इतना काम नहीं होता और वो खुद चाहता है कि वो सारा काम खुद करे और इंटर्न्स को ना दे क्योंकि काम ही थोड़ा होता है लेकिन हमारे पास काम एक तो बहुत अच्छी नेचर का था उस वक्त भी और बहुत ज़्यादा था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रोबोनो काम कर का रहे थे हम बहुत सारे लोगों का फ्री काम करते थे तो इनको ये फ़ायदा हुआ कि ये आ, फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप में सितंबर में मर्डर केस पे काम कर का रहे हैं और मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे जो है ओबियसली हेल्पिंग हैंड्स मिले बहुत सारे आप लोग पाँच पाँच लोग थे आप एटलीस्ट पाँच लोग थे तो मुझे वो फ़ायदा हुआ और इनको सीखने को मिला एंड आई थिंक के एक बंदा जो खुद फ्रेश ग्रेजुएट हो दो तीन साल से प्रैक्टिस कर रहा हो ना वो आपको बहुत ज़्यादा हैंड लोन एक्सपीरियंस दे सकता है ख़ास तौर पर अगर कोई लोअर कोर्ट्स का या ट्रायल का वर्क करता है कचहरी का काम करता है जैसे कि और ख़ास तौर पर ऐसा बंदा जो हर केस ख़ुद करता है अपना रान के वो एसोशिएट्स को दे दे और वो डेलीगेट कर दे काम क्योंकि जब आप खुद करते हो तो फिर आप लोगों हाँ बैठ के उनसे इंडिविजुअली बात भी कर सकते हो फीडबैक भी दे सकते हो एज़ कम्पेयर टू बड़ी फैमिली जहाँ मैंने भी इंटर्नशिप या काम किया तो आपके जो सीनियर काउंसिल हैं उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता उनके लिए ये काउंटर प्रोडक्टिव है कि वो हर बच्चे के साथ बैठ के उसे फीडबैक दें तो, सॉरी तरह कोई कुछ तरह की चीज़ डिवाइज नहीं करनी चाहिए कि कोई इंटर्नस आ रहे हैं कोई यंग इंटर्न आ रहे हैं उस तरह का सिस्टम हो कि कोई वो खा के वो भी सीखें और उसके लिए भी काउंटर प्रोडक्टिव ना हो सीनियर के लिए और एक्स है और कुछ और नाम है आ, कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं देने चाहिए इस तरह के हम उनकी वो पब्लिसिटी करते हैं लेकिन ऐसी <laughs> है आप डिपेंडेंट आप नहीं है उस पर ना और आप काम सीख सकते हैं आम, बट मेरा से मसला है कि नहीं

आई फील लाइक द रीजन वाई मूव टू इस्लाबाद बिकॉज मैंने इधर भी टिल से पढ़ा उधर भी टल से ही पढ़ा है जिस द फैक्ट कि वहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटीज ईजिली एक्सेसबल हैं लाइक वैन आई वॉज स्टार्टिंग हेर द मोस्ट कन्वीट थिंग फॉर मी यहादी कूँ कि मैं आपके uh -huh. साथ इंटर्नशिप कर लूँ बट उम प्रॉपर स्ट्रक्चर्स लाइक जैसे वहाँ पे सर सलमान काम कर रहे हैं जहाँ पे आर एस आई एल है यू कैन इंटर्न दैर एंड अदर फर्म छोटे फर्म थे उनका भी प्रॉपर स्ट्रक्चर है uh -huh. यहाँ पे लॉट ऑफ द गर्ल नो डों वगैरह बिकॉज

I am doing chale. part time litigation okay. and full time teaching so it's it's a mixture of both right dono saath carry for some time because I'm very new to the legal arena mm -hmm. so I want to take my time and explore both of the situations mm -hmm. before I make any decision but I do have in mind that I do want to go for my some sort of a further studies abroad okay. inshallah that that's that's on the that's on the cards yeah did you ever appear in court मुझेल अच्छा, अच्छा mm -hmm. uh, में ये करना चाहिए uh, मुझे uh, में नहीं मिला था मुझे बाद में मिला मौका तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ बैलेंस करता हूँ बीच में लेकिन आई थिंक टीचिंग खासतौर पर विजिटिंग टीचिंग लेकिन शुरू में फुल टाइम भी uh, एक बहुत अच्छी साइड करियर हासिल है जो कॉम्प्लीमेंट करती है आपकी प्रैक्टिस को ना क्योंकि एक तो एक और एक चीज़ जो लोग नहीं सोचते कि वहाँ से आपकी क्लाइंट एज भी बनती है यू टीचिंग इन एन इंस्टीट्यूशन तो वहाँ से क्लाइंट एज बनती है और uh, मुझे सरप्राइजिंगली बहुत सारे केसेस बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे उस साइड से भी uh, बने हैं जो कि बड़ा फ़ायदेमंद है तो इससे थोड़ा पीछे चले जाते हैं लीगल uh, एजुकेशन की तरफ और uh, बात करते हैं आपके आप सबके अंडर ग्रेज़्स की ना एंड आई थिंक आप सभी आप, आप चारों फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं आप दोनों टिल्स मुल्तान के ग्रेजुएट हैं आप यूसीएल लाहौर के ग्रेजुएट हैं और आप लम्स से आपने किया लम्स का कैसा क्या है ये 5 साल का एलएलबी था 5 साल का एलएलबी है इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बिकॉज़ व्हाट इट गिव्स इज इट गिव्स अ बफर ऑफ टू इयर्स इन द बिगनिंग वो दो साल आपके लिए बड़े इंटीग्रल होते हैं क्या अगर आपको लॉ नहीं पसंद आ रहा बिकॉज़ इट्स योर ट्रांजिशन फ्रॉम लेट्स से अ रेगुलर डिग्री टू टू द एलएलबी डिग्री वो बड़ा अच्छा एक ट्रांजिशन आपका आ जाता है

बट आई थिंक देन आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ट्रायल लॉयर्स जो लिटिगेशन हैं। हैं। जो लिटिगेटर्स uh, uh, हैं ना वो तो उनको आप देख के बता सकते हैं कि वो वकील हैं चाहे वो यूनिफॉर्म में ना भी हो क्योंकि है? वो वो सोचते डिफरेंटली हैं नो ड्यूरिंग द यर्स ऑफ प्रैक्टिस वो उनका दिमाग एक डिफरेंट तरीके से सोचता है और वो एक फ़िक्स तरीके से सोचते हैं और वो उनका आर्गूमेंट करने का तरीका भी डिफरेंट होता है जब वो चाहे आम लोगों में आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो आप बता सकते हैं कि ये अच्छा ये इस वजह से हो रहा है और

if i'm not wrong three yeah. Years yeah, 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 yeah 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 so how how different is the curriculum between the five years and three years i, I think this is more uh entwined more pa pakistani law is more entwined in it and i feel like hamare curriculum so there's a lot there, there are courses on gender and law oh. yeah so there oh, there will be courses on war and law अच्छा तो वो बहुत एक अच्छी मिक्स बन जाती है जिसमें आप लॉ का रिलेशनशिप अदर एकेडमिक पढ़ते हैं तो उसमें वो आप इट्स 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 अ लॉट ऑफ़ फन यू यू रियली गेट टू लर्न अच्छा सोशियोलॉजी hmm, और और लॉ का रिलेशनशिप होगा तो it's, it's, it's दुर दुर say, दुर। तो से

जब आप एक न, नया बंदा होते हैं आपको कुछ हुँ. पता नहीं होता और फिर इसी वजह से बहुत लॉ फॉर्म जो ये आपको काम लेने के लिए बहुत ज्यादा रेडी भी नहीं होती इसको तो कुछ भी नहीं आता तो दिस इजेंट पॉइंट है

there are really hardworking people who've graduated from the same degree hmm. but i feel like for kilea you know to be successful you have to work really hard and if you're not up for it then this profession is i think that's applicable to every profession yeah. uh, that you have to work really really hard whether you know, it's a legal profession haan, but, nahin. Uh, nahin. Or the, you know the thing is uh, now that i'm working right I i remember the first few months of my job i was

उनका मेरे ख्याल से एक्सटर्नल डिग्री स्टूडेंट जो एक्सटर्नल डिग्री के ग्रेजुएट्स होते हैं उनको कहीं कही ना कहीं प्रेफर किया जाता है और शायद थोड़ा सा उनकी उनका एनालिसिस लॉ का और उनका जो उनका क्रिटिकल लॉ का वो शायद कहीं ना कहीं बेहतर होता है एक्सटर्नल डिग्री वालों का, वालों का okay. जो लाइक दाइव इिग्री नो शी कम्स टू मी फॉर ये ये समझा दो दो मुझे वो बता दो, and I'm like, मैंने ये वाले नहीं पढ़ा हुआ but I just feel like आपकी analysis और आपकी और चीजों को पढ़ने का understand नहीं नहीं का करने थोड़ा फर्क होता है आई थिंक वो एक वो मसला ये है कि वो बहुत सारे सब स्टैंडर्ड और जाली इधारे खुल गए थे <laughs> जिनसे, जिन, उनकी डिग्रीज भी रोकी गई हैं वहाँ से बच्चों की मगर ये है कि आई थिंक मैं जो एक बात पिछले चार साल से एलएलबी के बच्चों को बता रहा हूँ वो ये है कि ये जो है प्री डिटर्मिन नहीं हो सकता इस बात से कि आपने हार्वर्ड से लॉ किया था या आप इंग्लैंड गए थे या आपने बीजेड यू से किया था या आपने लम से किया था या टिल से किया था इस चीज़ ये आपकी कामयाबी या आपकी सक्सेस का दारो मदार कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहाँ पे बहुत प्रिवलिज फैमिली के बच्चे बहुत अच्छी जगहों से लॉ करके और उनके मुकाबले में जब लोअर कोर्ट में इवन हाई कोर्ट तो दूर की बात है लोअर कोर्ट में भी उनके मुकाबले में जब किसी ऐसे यूनिवर्सिटी के के बच्चे बच्चे जो जो बाद में कैंसल हो गया लाइसेंस उस तरह के बच्चे भी खड़े हुए हैं तो वो उन्होंने उन्हें है बड़ी गाड़ी या बड़ी फर्म का नाम लगाकर अच्छी वकालत नहीं कर सकते क्योंकि ये आ, वकालत भी और टीचिंग भी दोनों बड़े जो है ना सेल्फ अकाउंटेबल प्रोफेशन है दो मिनट लगते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होने में जब आप खड़े होकर क्लास में पढ़ाते हो तो आजकल के बच्चे भी कॉल आउट कर लेते हैं कि आपको ये नहीं पता या आप गलत कह रहे हैं या क्या बात है और अदालत में भी ऐसे होता है कि आप जो है ना पंप एंड शो कर सकते हैं खास टाइम तक उसके बाद जब मौका आता है आपको जो है ना खुद एडवोकसी uh, करने का तो वहाँ पे बात क्लियर हो जाती है कि कौन कितने पानी में तो True. बिल्कुल ये कोई इदारे या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्री डिटर्मिन hmm. नहीं कर सकती रिसेंटली आई मेट अन शी सम कॉलेज फ्रॉम मुल्तान एंड शी मी कि उनके टीचर मतलब टीचर्स का एक बहुत बेसिक रोल होता है आपको टीच करने में आपकी जर्नी में आपको लीड करने में तो शी टोल्ड मी के हर टीचर सेट टू हर कि तुम्हें कुछ नहीं आया तो तुम लॉ करने आ गई हो मतलब इट वाज लाइक लॉ को इस तरह समझा जाता है कि जिस बच्चे को कुछ नहीं करना आता वो लॉ के प्रोफेशन yeah, आ जाता है पूछे ना कि आपने क्या करना तो मैं तो बड़ी लाइक सोशल जस्टिस एंडम अम से डॉक्टर बनना था इधर so like, <laughs> you know. अभी भी अगर आप चले जाए ना थोड़ी दही इलाकों में वो की अगर आपके तीन लड़के हैं तो आपने एक लड़के को फौज भेजना है एक को पुलिस में और एक को वकील बनाना है क्योंकि कल को मसले होंगे तो आपके घर का और डॉक्टर एक डॉक्टर जरूरी है तो ये चार जगह पे आपके बंदे होने चाहिए क्योंकि जरूरत पड़ती है बड़ी तो ये इस तरह के हैं इस तरह के मसले हैं लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और इसका जो टॉप लेवल है वो एम टी है तो उस किस्म का नहीं है और आप अगर बहुत ज्यादा मेहनत करें तो आप बहुत ज्यादा इसमें नाम बना सकते हैं वहाँ तक की जर्नी है ना इट्स नॉट क्लासिफाइड मतलब आपको बस ये पता है अभी मैं एसोसिएट हूँ फिर मैंने सीनियर वकील बनना है फिर मैंने टॉप वाली उस जगह पर जाना है अब आप कह रहे हैं कि वो टॉप वाली जगह खाली है क्या है वो टॉप वाली जगह लुकिंग फॉर अब आई गॉट न्यूमरस रिजेक्शन बिकॉज मैं, like, you know, mm -hmm. mm -hmm. मैं दुबई में भी अपलाई करी थी बाहर भी कर रही थी इंटरव्यूज पे गई And then I sat down and I thought to myself, how do I get a job? Hmm. And then I spoke to some career counselor counselors and I realized I need to define what my dream job is. And then I need to make my CV for that. And then I need to बिल्कुल, apply. बिल्कुल and है. I think the job I got fits into the category. Hmm. So it's very important to be decisive. If you're a lawyer, you should know what to do. I agree. From the early on, not when you experience. But what you I think it will be different तो मेरे लिए अगर आप मेरे से पूछो तो मेरे लिए टॉप लेवल अगर आप पूछो क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल और, और फैमिली मैटर्स में लिटिगेशन में तो मैं समझता हूँ कि अगर इस मुल्क में जो सबसे बड़े मसाला हैं इस मुल्क के सबसे बड़े जो आप टी वी करंट अफेयर्स देखोगे या जो सबसे बड़े क्रिमिनल केसेज होंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना प्रॉब्लम्स खड़े होंगे इस मुल्क के डेमोक्रेसी में उनमें अगर आप टॉप लेवल पे हो तो आपको एक फ़ोन आना चाहिए आपको एक फ़ोन आना चाहिए कि आप उस लिस्ट में हो जिसमें वो कंसिडर कर रहे हैं कि आपको इंगेज करें और आपको कंसिडर करना चाहिए मेरे ख्याल से वो लिटिगेशन में और ख़ास तौर पर क्रिमिनल फैमिली और कॉन्स्टिट्यूशन में वही दारदार है कि आपकी अपनी स्टैंडिंग और कॉम्पिटेंस इतनी ज़्यादा हो कि आप ये बड़े मसाइल हल करने के लिस्ट में जरूर आते हो टॉप थ्री फोर में जब एक स्पेसिफिक चीज़ का नाम आए तो आपका नाम दिमाग में आपका आना नाम आए लोग कहें जिस तरह जिस तरह आज कल अगर फौजदारी केसेस का नाम आता है तो सलमान सफज़र साहब का नाम आता है

आई फील लाइक आपको अर्ली ऑन से एटलीस्ट अपनी डायरेक्शन पता होनी चाहिए देर आर सो मेनी पास जहाँ पे आप पहली दफ़ा वॉक करोगे hmm. वहाँ पे कोई भी नहीं होगा आई डोंट थिंक एनी बडी शूड हैव द के सिंस दिस इज अनडिफाइंड आई डोंट आई शुडेंट थिंक अबाउट इट जब तक मेरे पास एक ईयर ऑफ एक्सपीरियंस नहीं होता बिकॉज स्पेशली लाइक कुछ प्लेस ऐसी हैं जो इतनी खाली हैं कि मे बी विद इन टू ईर्स ऑफ वर्किंग यू कैन गो दैर यू नो आई फील लाइक दिस इज इजाइज ऑन इट अगैन डिफाइन वॉट यू वाट डू लाइक देखो आपके मुल्क में किस लीगल एरिया में कमी है आपको उधर जाना है ज वर्किंग देर हु कैन बी योर मैंटोर यू नो और कौन से लॉज हैं जो आपको पर्सनली अच्छे लगते हैं जिन पर आपको काम करना स्टार्टेड वर्किंग विजकिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन लॉस के हम hmm. इन चीजों पर बहस करेंगे यू नो क्रमल फैमिली लॉयर्स होते हैं आई थिंक दट इज समीजन आई चोज यू टू लाइक माई मेटोर लाइक यो यू गेव मी द अपर्चुनिटी बट लाइक दिस थिंग इज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू नो वॉट यूर लुकिंग फॉर इफ यू डोट नो दैट आई फील लाइक आप जितने साल भी कर लो आप शायद उधर ही बैठे रहोगे अच्छा इसमें ना इसमें थोड़ा एक बात है ये मेरी पर्सनल वाइज है और मुझे लगता है कि ये सब के लिए होनी चाहिए कि आप अगर एक अच्छे वकील हो ना आप लेटर ऑन लाइफ अपनी नीश बना लो एक कि मैं तो ये काम का एक्सपर्ट हूँ मुल्क में मसला हो तो ये मैं करूँगा मगर अर्ली इन योर प्रोफेशन आपको सब काम आना चाहिए तो कोई इतना जो है ना आपकी डिग्री या आपकी करियर कुछ हद तक फुल पोटेंशियल पे पहुंचेगी नहीं

बिल्कुल True. तो मैं जब मैं आया था तो मैंने मैं जब एल एल बी करा था न्यू कास्टुल तो मेरे फाइनल ईयर में ऑप्शन होता है आपके ना मौजूद तो चूज करने का तो मैंने उसमें अपने ना गेंद के जो मुझे लगता था कि ये मैं पढ़ूंगा और वापस जाऊंगा मैं छः महीने बाद पाकिस्तान और ये हो रहा होगा पाकिस्तान में ना और ये मैं करूँगा तो मैंने क्रिमिनोलॉजी किया मैंने टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म किया एविडेंस वाला पढ़ा ये चीज़ें पढ़ी ह्यूमन राइट्स ऑबियसली पढ़ा तो वापस जब मैं आया और मैंने कहा कि मैं जी अब एक ह्यूमन राइट्स लॉयर हूँ मैं मैडम आसमा के साथ काम किया ये वो तो आप ये सोच सकते हो मगर जब आप बैठते हो काम करने और क्योंकि मैं प्रोबोनो लेता था बहुत ज़्यादा तो हर किस्म का काम आता था मेरे पास ना मैं करूँ ना करूँ वो मसला होता था लेकिन ऑफ़र ज़रूर होती थी क्योंकि फ्री होता था तो जब मैंने वो करना शुरू किया तो पता चला कि एक ह्यूमन राइट्स लॉयर जो है वो बहुत ज़्यादा फैमिली मैटर्स डील करता है वो बहुत ज़्यादा डाइवोर्स डील कर रहा होता है डोमेस्टिक वायलेंस डील कर रहा होता है

बिकॉज़ इट्स लाइक मैं लिटिगेशन करूंगी या फिर मैं इनहाउस करूँगी या फिर मैं जज बन जाऊँ यू नो लाइक द ऑप्शन सेम नॉट इट्स बिकॉज कोर्ट्स में जगह नहीं है आई जस्ट जनरली सोसाइटी में औरतों को कोर्ट में जाना सा एक वेरी बिग जर्नीक ये कॉन्वर्जेस हमारे लिए तो बहुत बाद में आती generally for women mm. and Japanese. also we're younger than these guys obviously and it's definitely. <laughs> definitely but like it's going to take time years old. <laughs> but, <laughs> but i even know I know I know, I know I know i know sir richard didn't mean to attend the university i know, know female uh, graduates with law degree was his age but they're also not pursuing law because i just like clear the yeah to pursue cartier yeah for one night i can't do then this conversation never happens never happens so we're like still stuck on the first step

आप कल जो करे थे ना आज बेहतर पिछले हफ्ते हफ्ते ये ये था इस है पिछले साल में ये फीस लेता था अब मैं ज्यादा लेता हूँ तो अपने साथ होना चाहिए कॉम्पिटिशन आप किसी से नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप करने बैठो तो जितना कट थोड़ा प्रोफेशन है बहुत बहुत डिप्रेशन हो जाएगा सबको जा, जब आप इक, इक, प्रोफेशन चूज़ करते हैं यू शुड हैव अ गोल इन योर माइंड बट एक नेगेटिव कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि वो मेरे साथ वाला यहाँ चला गया मैं यहाँ रह गया क्योंकि फिर वो फिर दैट लीड्स यू यू नो वे फिर आप वहीं के वहीं रह जाते हैं और अगले बहुत आगे जाते एक को लेकिन एक गोल एक आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मैं एक प्रोफेशन चूज कर रहा हूँ इसमें मुझे ये मसले भी होंगे मैं मुझे इस चीज के साथ भी डील करना पड़ेगा तो हर प्रोफेशन जो है वो आपसे हार्डवर्क मांगता है सिंसेरिटी मांगता है एंड इट लीड यूर एनीयर

ये ये सब यंग बच्चे बच्चे उन, सब लड़कों को जिनको पैसा नजर आ रहा कि ये नहीं, नहीं, कि आ ये हो लड़कियां भी पैसे भी होता है कि नहीं आप कोर्ट में जाके काम करने से बेहतर साफ सुथरा काम है लेकिन आई थिंक ये बात तो ठीक है ये साफ सुथरा है मगर वो पैसों वाली बात ठीक नहीं है वो एक इम्प्रेशन है जो लोगों को गलत आया हुआ शायद सूट्स वगैरह देख के लेकिन वो ऐसा है नहीं क्योंकि तो आप जिस भी अपनी फील्ड में काम करते हो वकालत का अगर आप उसके टॉप पे हो ना तो आप बहुत ज्यादा पैसे कमाते हो मैटर इफ इट्स डर बिल्कुल ऐसे ही है अच्छा जैट टू एट वाई डिड आई स्टार्ट दिस जर्नी वॉज कि मैं जब बचपन से मुझे ना आई ऑलवेज़ वॉन्टेड टू हेल्प द ह्यूमैनिटी इन वॉट एवर वे जिस बिताए mm -hmm. डॉक्टर बन के आर्मी में जाने का भी शौक़ हुआ एक दफ़ा फिर एक दफ़ा आई वॉज सिटिंग एंड माई फादर टोल्ड मी अ वर्स फ्राम कुरान इट इज़ फ्राम सूरा नहल एंड वर्स नंबर नाइन्टीन इट से डेट अल्लाह तला ने हमें इंसानों को जो ताक़त दी है वो बेसिकली सबसे पहले जस्टिस दूसरों के साथ भलाई और अपने रिश्तेदारों को देना mm -hmm. तो वन आई हर्ड दैट इट

आपको डिस्करेज नहीं कर रहा डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं। पे करने होते मैं आपको तो। हूँ क्योंकि आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे क्योंकि कचहरी जो है ना वो सिर्फ वहाँ पे वोकला नहीं होता वहाँ पे और लोग भी होते हैं हर किस्म के लोग होते हैं और वहाँ आपको एक एक और कैटेगरी मिलेगी जो वकील नहीं है मगर उन्हें वकीलों को ज्यादा पता है क्या करना है अदालत में कौन सा काम कैसे होगा वहाँ पे आपको वही मिलेंगे वो जो किराए पर गवाह मिलते हैं किसी केस में गवाह बनाने हो और भी बहुत सारे लोग मिलेंगे और कचहरी से बंदा बहुत सीखता है ऑबियसली वहाँ उठने बैठने से लेकिन वहाँ आपको बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी मिलेंगे बहुत सारे ऐसे केसेस भी आएंगे कि आपकी जो आपकी जो सोच है ना ये अच्छी वाली आपको एहसास होगा कि ओह मेरे साथ धोखा हुआ थोड़ा सा ऐसा नहीं है और ये लोग ऐसे नहीं हैं क्योंकि अहमद आम, को अगर याद होगा हमारे पास एक बड़ा हम बहुत सारे ना चाइल्ड रेप के केसेस करते हैं तो हमारे पास एक आ, रेप का केस आया जो कि एक नौ साल की बच्ची का था और जो एक्ूज था जिसके इल्जाम था वो कि सेवेंटी फाइव साल का आदमी था तो हम हमारे पास वो बूढ़ा आदमी आया था कि जी मेरे साथ ना ये ज्यादा हो रही है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होता है झूठे प्रिवलिस केसेस करके ब्लैक मेल किया जाता है पैसों के लिए तो उसने हमें कहा कि मेरे साथ ज़्यादा हो रही है और मेरे मुझे ब्लैक मेल कर रहे हैं पैसे मांग रहे हैं तो हमारा केस लें और हमने ऑब्वियसली उसमें पावर ऑफ रिटें दिया बोनो कर रहे थे हम और हम लेकिन इस तरह के केसेस में ना ज़रूर इन्वेस्टिगेटर भेजते हैं पता कराने के लिए फैक्ट्स ना गली मोहल्लों में ऐसे आम आदमी बना के तो हमने जब वो भेजा तो पता चला कि वो वो एक्यूज जो है वो झूठ बोल रहे हैं और बाकी ऐसा हुआ है और अटेम्प्टेड रेप था एक्चुअल रेप नहीं था लेकिन वो हुआ था और वो जो बूढ़े बाबा जी थे जो हमारे पास हेल्प लेने आए थे प्रोबोनो हेल्प लेने आए थे वो उनके ऊपर ये तीसरा वाक़े का इल्ज़ाम था दो पहले भी हो चुका था तो ऑबली अगर आप ऑफ अटर्नी देते हैं तो फिर आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है अटर्नी क्लाइंट प्रवलेज ख़राब हो जाता है अगर आप अदालत में जाके कह नहीं सकते कि जी वाकई ये तो गिल्टी है तो मैं नहीं केस कर रहा आप सिर्फ विदड्रॉ कर सकते हैं अपना पावर ऑफ रिटर्नी कि मैं इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता आ, एनी मोर तो हमने वो विद्रा किया लेकिन वो बड़ा हमारे लिए शौक था और इस तरह की तो छोटी एग्जाम्पल है इस तरह के और बहुत ज़्यादा आपको लोग मिलेंगे बहुत सारे ऐसे प्रो, प्रो, प्रोनो काम करने में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो माली वसात रखते हैं पे करने की मगर वो आएंगे और कहेंगे हम गरीब हैं और हमारा फ्री करते हैं केस तो आप जितने जो है ना अच्छे दिल से या ईमान से कर रहे होते हो काम हर बंदा आगे से ऐसा नहीं कर रहा था hmm. so लाइफ में एक तो इंडिपेंडेंट होना hmm. का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेकिन एक इंसान ऐसा भी होना चाहिए इतना स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट दैट ही जब अपने राइट्स पता होंगे ना तो कोई भी आपको कभी भी मिस गाइड या मिसलीड नहीं कर सकता एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन टू नो बहुत राइटॉवरिंग है hmm. बहुत hmm. तो बहुत है बहुत ज्यादा है। है। तो नहीं निकाह नामा की बात करें ना तो निका नामा तो एक विजिबल है एक चीज़ है जो होती रहती है और नॉर्म बन गया अब कि आप वो तलाक हक काट देते हैं और आप कॉलम नंबर 16 भी काट देते हैं गिफ्ट वाला और आप सारे वो काट लेते हैं मगर आई थिंक एसोसिएटेड एक और चीज़ ये है जो कि अभी रिसेंटली ये केस भी आ, आप लोगों ने सब नहीं देखा होगा सारा वाला जो है आ, उनका जर्नलिस्ट के जो बेटे हैं उससे आई थिंक एक और असर चीज़ ये है कि जो लड़कियों के ऊपर प्रेशर है आई थिंक कुछ हद तक लड़कों में भी है मगर लड़कियों पर ज़्यादा ये जो प्रेशर है कि आपने ख़ास एज तक शादी कर लेनी है और उसके चक्कर में जो गलत फैसला हो जाता है और वो ज़िंदगी जो वैसे ठीक होती है और तबाह हो जाती है गलत शादी की वजह से वो बहुत ज़्यादा है

फ्रॉड कर रहे लोग बन जाते हैं उल्लू मुझे ये समझ नहीं आती कि उनको पता भी होता है कहीं ना कहीं कि ऐसा होना है बट वो फिर उसी लालच में आके वो बन जाते हैं छोटी सी उम्मीद होती है कि शायद हो जाए वो ले जाती है फिर जैसे मेरी मामा को एक मैसेज आया पिछले दिनों उनके फोन पे कि आपकी गाड़ी निकली है जीतो पाकिस्तान और उन्होंने कहा बेटा मेरी गाड़ी निकलेगी जाओ मेरी गाड़ी लेके आओ तो ये ये एक यही उम्मीद होती है जिस पे ट्रैप करते हैं स्कैमर्स जो है पर hmm. जो 2% चांस होता है ना कि शायद वाकई निकल आई है तो ना कहते चेक तो करो यार चल ही ना जाए आई एम ऑफ द अदर अदर पर्सन जो इन में मानता नहीं आई एम लाइक सो कॉशियस लाइक इफ आई थिंक देयर इज स्लाइटली अगर मेरा कुछ इनाम निकला, भी निकला, भी है। निकला है तो अच्छा नहीं 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 वो नहीं अगर निकला भी देयर इज अ स्लाइट चांस देयर कुड बी अ स्कैम जस्ट रिलाई ऑन द चांस कि स्कैम होगा यू नो यू नो आई डोंट टेक एनी आई एम वेरी कॉशियस एंड कैलकुलेटेड पर्सन करते हैं जब उनके साथ कुछ हुआ हो I know, I feel like as the first uh, female lawyer in my family and generally coming from a family like i just generally feel like as a woman you're conditioned to be very calculated strategic in your life yes. make decision and do things that you are never on the wrong side You know mm -hmm. of things this is so i think growing up i've always been very conscious and there's that pressure you have to make ah. sure that you, you know, just like, make uh, every you can't mess up you can't mess up if you mess up, up the bus you are at last chance mm -hmm. you know the thing is when i came here pakistan meant to do law

You need a lot of privilege, you know, I don't uh, know if you'll agree with this or not, and since I have nah, that privilege, know. as in my parents' unconditional support, I have hmm. one of the best teachers, the university. But at the end of the day, I want to do something that is sustainable for me as well as a person. you know hmm. I cannot fight a career whole life and I'm the hero because usually usually these heroes come down as make like, credit name like you know they're really hmm. taking credit for things, and I am hmm. not that kind of person, so I feel like

कि जो बच्चे जिनको जो फाइनेंशियली उस तरह से फ्रीडम नहीं है और उस तरह से प्रविलेज बैकग्राउंड के नहीं है आपको सिस्टम जो है ना जो इस वक्त वकालत का या इंटर्नशिप का या सीखने का वकालत वो आपको ना ट्रेन करता है और ये कहता है कि आपने रोज आना दिहाड़ी की तरह yes. पाँच सौ हजार रुपये कमा yes. के जाने है yes. बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आप काम सीखोगे और आपका सीनियर भी आपको ये सिखाएगा कि आपने पाँच सौ हजार रुपया कमा के रोज जाना है और फिर वो दैट यू नो शेप्स योर अर्ली इय ऑफ करियर कि आप हर किस्म की मेल प्रैक्टिस में